ये पक्का फेल है, पक्का फेल है ना। पढ़ाई करी है, पास होने के लिए अच्छी होते हैं 80 से। हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। अपन तो बिल्कुल मस्त अपनी नींद पूरी करके आ चुके हैं, लेकिन ये मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी जान की रातों की नींद उड़ चुकी है, क्योंकि आज है इसका एग्जाम, और एग्जाम है SST का, सोशल साइंस का। और आज के एग्जाम में ये पक्का फेल है, पक्का फेल है ना। पढ़ाई करी है, एक दिन पहले मतलब गाइस आज एग्जाम था कंप्यूटर का, फिर अगले दिन छुट्टी थी, और द नेक्स्ट डे छुट्टी के बाद है जस्ट एग्जाम SST का। तो छुट्टी में इसने खाली एक दिन में कितने चैप्टर पढ़े? दस। एक दिन में? भाई आप बधाई हो, आप फेल हो प्रॉपर तरीके से। आपके इस बेटे ने एक दिन में 10 चैप्टर पढ़े। और कितने अच्छे तरीके से पढ़े होंगे तुमको बताइए। रात में सोया नहीं? सोया नहीं, 3 बजे सोया। कितने बजे? रात के 3 बजे सोया है। हाँ, बादाम खा तू, बुद्धि बड़ा अपनी। एक काम कर ले, एक और खा ले, सुन एक और खा ले, इसको खा के तेरी बुद्धि इतनी तेज होगी ना कि तू एग्जाम में टॉप नहीं फेल होगा। हाँ भैया, तेरा भाई बहुत टॉपर था भाई अपने टाइम में, तो प्लीज मेरी नाक मत कटाना भाई। इसने बोल दिया टॉपर था, अगले टॉपर। ओम टट्टा ऑल द बेस्ट, ओम टट्टा ऑल द बेस्ट। मैं भी आऊंगा स्कूल पढ़ने के लिए, मुझे भी एग्जाम देना है प्लीज। कहाँ हो अब? तो रोड में दिख नहीं रहे, कहाँ हो? अरे मैं तो वहाँ देख रहा हूँ, आप कहाँ हो? अरे ये रे, ये रे, अरे 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 आ गए, आ गए, आ गए, आ गए, आ गए, आ गए। ये है कॉफ़ी, ये है 2 ब्रेड, और इनके अंदर लगा है मैंने पीनट बटर, तो ये मस्त खा रहा हूँ मैं। नमस्ते अंकल। एकदम बढ़िया, कैसे हैं आप? मौज आ रही है। मौज आ रही है? गजब। आपको ये चीज़ दिखाऊँ? मौजे। अभी आपको ये चीज़ देख के और मौज आएगी। हाँ वो चीज़ है ये। अरे वाह, कैसा है? बढ़िया है। नया स्टाइल है। आपको देखते थे 1 लाख लोग, अब देखेंगे 2 लाख लोग। ये गाइस, अंकल को कुछ नहीं पता कितने लाख लोग हमको देख रहे हैं, कितने नहीं देख रहे हैं, और मतलब अंकल बस कर देते बस कैमरे के सामने। बहुत सीधे अंकल यार, वापस आ गया भाई, क्योंकि एग्जाम हो चुका है खत्म, और एग्जाम खत्म होते होती है छुट्टी। तो कैसा गया एग्जाम? एग्जाम बढ़िया, ठीक था, बढ़िया था। कितने नंबर का था? 80 नंबर का? 80 का था। कितने आएंगे? पास होने के लिए अच्छी होते हैं 80 से। 80 में से 23 नंबर? 23 नहीं चाहिए होते, 33 ही होते। वो 100 में से चाहिए होते हैं? 80 में से 23 ही होते हैं? 23। फिर तो पास है ना, आराम से होगा। पास है मतलब? अरे पास मतलब, मतलब जस्ट 23 नंबर ला रहा था 80 में से। अबे 23 नंबर नहीं बोल रहा मैं, तो आ तो मेरे मस्त आ जाएंगे 50 से ऊपर या 45-50 से ऊपर आ जाएंगे। छी छी, वो तो मैं बैकअप के लिए बोल रहा हूँ कि क्या प्यार पास होने तो एक बाय चांस हो गए, हो भी गए तो 23 नंबर से आराम से ऊपर आ जाएंगे। ये तो पास है अपन, एक रात में 10 चैप्टर पढ़ गए। रिकॉर्ड ब्रेक हद होती है, कुछ काम करना नहीं है घर में, बस पढ़ाई करनी है। पढ़ाई में तो कम नंबर ला रहे हैं भाई, क्या बोल रहे हैं? मतलब गाइस ये इस बार ये कि इतना कम नंबर ला रहा है, वरना ये हर बार क्लास 8th, 7th, 6th में सब में अच्छा था, पढ़ाई में ठीक था, इस बार कम नंबर ला रहा है। अबे कम नंबर में ला, मैं मानता हूँ कि 9th क्लास तक होती है नंबर स्टार्टिंग में थोड़े कम आते हैं, क्योंकि मेरे भी कम आए थे, बट बाद में फिर मेरे आई स्कोर्ड 90% इन क्लास 9th। हां घंटा 90% ऐसा तकले मारूंगा ना, तकले आएगी 90%। एक बार अगर मैं पढ़ने पर आ गया तो फिर ये मार्क्स, मैं अगर 80 पेपर है तो 90 मार्क्स आएंगे मेरे, ठीक है, अगर मैं एक बार पढ़ने पर आ गया तो, ठीक है। और देखो मैं अपने आप में गर्व महसूस कर रहा हूँ कि एक रात में SST जैसा कठिन चैप्टर मैंने दस चैप्टर पढ़ के एक ही रात में निपटा के आज मैं हो रहा हूँ पास, और ये मेरे लिए एक प्राउड मोमेंट है। जय हिंद। पसीना आ गया इसको देख के भाई। जब मैं इस बैंड को देख रहा हूँ मुझे इतनी हंसी आ रही है, इतनी हंसी आ रही है, बिकॉज मैंने बैंड लिया था ताकि जब मेरे बाल लंबे होंगे आंखों के सामने आएंगे
माथे पे गिरेंगे, इतने इतने लंबे होंगे, मैं बालों को पीछे करूँगा और फिर ये बैंड लगाऊंगा। बट किस्मत है ना, किस्मत गाइस, किस्मत वो चीज़ है जो कभी भी पलट जाती है, कभी भी पलट जाती है। तो किस्मत पलट गई, कहाँ बाल इतने लंबे के सोच रहा था मैं और कहाँ ये हो गया है। चलो भैया अब क्या ही कर सकते हैं यार, ले लिया तो ले लिया है ना, अब खाली अब, वरना मैं इसको एक साल बाद लेता ना, क्योंकि अब जो बाल लंबे होंगे वो एक साल बाद बाल लंबे होंगे ना। तो अब इसको रख दो यहाँ पे अच्छे से, अब तू जा रेस्ट कर। इससे अच्छा भाई लेता नहीं यार, खाली 100-200 रुपये ठुक गए। या फिर एक काम करता हूँ, वापस कराता हूँ उसको, जो पैसे मिलेंगे उसका कुछ खा पी लूँगा। या फिर रहन दो, जब बाल बाद में लंबे होंगे फिर काम आएगा, है ना। हाँ रहन दो रहन दो, कैसे बातें कर रहा हूँ मैं। ये लो खाने में क्या है, लो इधर आओ, दाल चावल करेले की सब्जी। अरे वाह अरे वाह, एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ के एग्जाम देख के खा पी के टनों के सो गया, शाबाश भाई। भाई 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 यहाँ पे कैसे आ गई, इसके अंदर है पक्का। अरे भाई भाई ये बाप रे बाप, क्या कर रही है माई। दिन में टन्नों के सो जाओ, सुबह उठो खाओ पियो, दिन में सो जाओ और बॉडी बनाओ। चलो आजा चिलबुल, मैं जिम से घर आ गया चिलबुल, आजा जंप कर दे। घर पहुंचते प्यार मांगता है ये, तो बस प्यार करते इसको, ये प्यार करते, ये देखो तेरा प्यार देख रहे उसका। 1 2 3 चल जल्दी ऊपर आ गया, कितना टाइम हो गया, टाइम दे, टाइम हो चुका आपा 6:30। जब मैं जिम जा रहा था तब से सोया भाई, ये उठ जा उठ, घुमा दे उसको भाई, हैं सर में क्या लगा दिया हम, सर में ये सर में दवाई लगाई है, दवाई हेयर ग्रोथ है भगवान, हेयर ग्रोथ। चलो 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 उठो, अभी इसे नहीं उठाना क्योंकि कैमरा सामने है, अभी कैमरा बंद कर उस्ताद भी उठेगा। बस ऑफ कैमरा कुछ एक आध चीजें हुई और देखो जरा, और सुन ये घास मत लगे जाना, ठीक है घास में, ये घास मत लगे जाना, ठीक है, जो घास में घोड़े ने वो लीद कर रखी पूरी। लीद क्या होता है पता नहीं क्या होता है, घोड़े ने क्या कर रखा है पता नहीं क्या बोल रहे हो यार। ये है अपना इंडिया भैया जी, मानना पड़ेगा आपको भैया जी, मानना पड़ेगा यार, कट्टे ले आए थे सारे एक रिक्शे में, बाप रे भाई कैसे कैसे लोग काम कर रहे हैं भाई साहब, मतलब हमारे साइकिल चलाने में हालत खराब हो जाती है और वो इतने भारी कट्टे एक रिक्शे में सार रहे भाई यार, इन लोगों को हेड्स ऑफ सल्यूट ऐसे लोगों को यार। परफेक्ट बढ़िया, ऐसे ही रोड में घुमा इसको, इसमें कोई सब्जी बनाओ ना, सब चांद कहाँ, सब दिखो कहाँ पे ये, और सब हो रहा है सब करवा चौथ में चांद देख, वो उसको देखते हैं, किसको, जाली को देखते हैं, कढ़ाई देख रही है, करवा चौथ में जाली से चांद को देखते हैं। हाँ तो तुम कढ़ाई में छेद दिखाओ, छेद दिखा रही थी, ऐसा है कढ़ाई में हो गया छेद, कोई भी चीज हम तेल वेल था मुझे लीकेज कर रहा है, तो हम इस कढ़ाई को वापस करेंगे, इसकी जगह नई कढ़ाई लेकर के आएंगे, क्योंकि आयरन गुड फॉर हेल्थ होता है। लेकिन मुझे बताओ कि कढ़ाई को टाइम हो गया 16-17 साल, अरे बाप रे, तो जली कैसे होगी आग से, जली हाँ वो पतला हो जाता है ना, तो उसमें खाना बनते बनते। अच्छा चलो अभी आ रहे हैं, ठीक है पूजा कर लेना, ठीक है। मम्मी का हेलमेट कहाँ है, जरूरी है क्या पीछे बैठने के लिए, अब ज्यादा कुछ होगा ना, तो अगर कोई पुलिस वाला आएगा तो ये रख लीजिए। मेरे पैर के ऊपर इसने अपना पक्की रख दिया यार, ये आ चुकी है हमारी नई आयरन की कढ़ाई, जो थी पुरानी वाली वो चुकी वापस 30 रुपए में, और ये रही नहीं, वाह हमने इसके 280 रुपए और दिए। अच्छा तो चमक रही ऊपर सारी, अभी न्यू है ना, अभी न्यू है। अच्छा भाई यहाँ बैठिए, यहाँ बैठिए
जो चीज अक्सर लोगों को खाने में पसंद नहीं आती भाई, ये चीज है कद्दू। और कद्दू ही खा रहा है, कच्चा कच्चा कद्दू खा रहा है भाई, कच्चा कद्दू खा रहा है। ये देख, ये ले गया, ये ले गया। चलो गाइस अभी करते हैं व्लॉग को एंड। कल रात को खाना वाना खा के टन सो गया था मैं, तो व्लॉग एंड करना ही भूल गया था। तो गाइस अगर आपको व्लॉग दिखे मजा आया, कुछ अरे पे स्माइल है, आपने एंजॉय करा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते कल से, बट टिल देन गुड बाय, गुड लक, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड लिव योर लाइफ एज मच एज यू कैन। कल सुबह तैयार रहना, तब तक के लिए बाय बाय।